हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह की शुरुआत होता है एक बच्चे के रोने की आवाज़ से। हमेशा गांव में मुर्गों की आवाज़ के साथ सुबह होता है, लेकिन आज वो बच्चे के रोने के साथ, वो मेरा भांजा है जो कल अपना चश्मा खो गया था, आज रो रहा था। सो सुबह 5 बज चुकी है और अब मैं निकलता हूँ अपने जंगल को घूमने के। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सो ओके बाबू, बाय 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 बाय, कम कर ठीक बाबू। तो मैंने पकड़ा अपना चार्जर एंड सॉरी पावर बैंक के साथ जंगल की ओर चला। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सब अपना बाड़ा जो है ऐसे ही छोटे छोटे पौधों को काट के बनाते हैं। जैसे ये अकोला का पेड़ बोलते हैं, जिस पर बहुत सारे कांटे रहते हैं और रक्षा भी करता है। एंड हम लोग के घर के आसपास भी, और ये है मेरे घर के बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा जंगल है, और यहाँ पर एक छोटा मोटा तालाब था और इधर भी जंगल। सो गाइज, मैं अपने गांव से बाहर निकल चुका हूँ, अपना टोली से। बस सामने छोटा सा टोली है जंगल के बीच में, और इस समय मैं जिस स्थान पर पहुँचा हूँ, ये एक तालाब था छोटा सा जहाँ पानी भी नहीं है। और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने सुबह सुबह पर सफ़र पर मशरूम खोजने। खुखड़ी बोलते हैं हम लोग इधर, और अपने लैंग्वेज में ऊट बोलते हैं। अब मैं निकला हूँ, अब देखते हैं, बहुत समय हो गया अब मुझे ये सब खोजते, तो देखते हैं कितना मिलता है या नहीं। तो यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा था, तो मैं सोचा एक फिल्म भी बनाया जाए। अब देख सकते हैं बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और अब मैं यहाँ से आया था, इधर से आया था अपने घर से, जहाँ से पोल दिख रहा है ना, काफ़ी दूर है उससे। इधर है गांव यहाँ सामने, बट वहाँ से अब मैं फिर जाने वाला हूँ इस ओर। इधर से उस चोटी से होते हुए, आगे आपको नहीं दिख रहा है कैमरा में, अगला पहाड़ से होते हुए मैं वापस उतरूँगा ऐसे। तो ओके, हम लोग चलिए अपने जंगल के सफर को कंटिन्यू करते हैं, और देखते हैं हम आज कितना मशरूम इकट्ठा कर पाते हैं। तो आप इधर देखते हैं, बाहर आपको जंगल में भी बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, बट रास्ता में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ओ, एक मशरूम मिल गए। गाइस, जंगल में काफी एडवेंचर मिला, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, और वो है ये। आप ये देख सकते हैं, जब भी जंगल में आप आते हैं तो इस पौधे से आप जरूर सावधान रहें। मैं आपको दिखाता हूँ ये पौधा, मैंने गलती से इसे टच कर दिया, और अब जितना भी एडवेंचर कर लीजिए, बट इस पौधा से हमेशा आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि जब मुझे ये हाथ में लग गया और मुझे काफ़ी जलन आ रहा है। तो इसके लिए भी एक उपाय है, आपके पास एक पौधा होना चाहिए। हाँ, आपको पता है केंदु, जिसे तेंदू केंदू जो भी बोलते हैं, जब भी आप इस पौधा से लग जाएं, तो इस पौधे से, तो मैक्सिमम ये पौधा, तो जब भी आपको वो पौधा से आपको टच हो जाए, तो एक पत्ता खा लीजिए। यह केंदु का है विशेषकर, और ये काफी काम करती है। क्या भाई,
अब आपको जिस स्थान में लगा है लगा दीजिए, दो हाथों से सर को ऐसे रब कर दीजिए। अब थोड़ी देर में आपका वो दर्द पेन खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपना आगे का सफर को कंटिन्यू करते हैं और पेन ज्यादा देर नहीं रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, और अभी मैंने वीडियोस तो नहीं बना पाया, लेकिन मेन बात ये है कि मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं था। देखिए कितना ऐसे है, और आपको विशेष डेयरिंग इस बात का है कि मैं खाली पैर हूँ और आप यहाँ का सीन देख सकते हैं कितना पथरीला है। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि यहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा मशरूम भी मिले, और देखते हैं आप देख सकते हैं ये सब ग्रो हो गए हैं, बट आई थिंक ले लेना चाहिए। अब देखिए पथरीला जमीन है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यही मिले और मुझे खाली पैर में भी ज्यादा मजा आया। जब आपको पाँव में चुभने लगे ना, तो वही फीलिंग आती है जो बचपन से आप गांव में बिताए हैं। बहुत मजा। वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्नेल है। यस, चलिए फिर से अपने जंगल के आगे की सफर की ओर। तो अब भी मशरूम चुनना जारी है, और आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी हो चुका है, बट क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए, और कुछ घर में भी छोड़ना है, कुछ रांची लेके जाना है। और यह सफ़र मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा, अब भी मुझे मिल गए। अब सफर मजेदार इसलिए क्योंकि ये जो है खाली पैर घूमने का मजा ही अलग है। पर हाँ, यदि आपको ये आदत नहीं है तो आप ऐसा डेयरिंग बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। इतना ज़्यादा तकलीफ होगा आपको बिना चप्पल का कि आपको नानी याद आ जाएगी रियली, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे लकड़ी के, ये सब के चुभने का डर रहेंगे। तो यदि आपको आदत नहीं है तो खाली पैर डेयरिंग। सो वेल गाइस, अब घर वापस जाने का टाइम हो गया, और साथ में कह रहा हूँ दातुन ये। तो एक्चुअली मुझे जंगल में बहुत सारा चीज़ें मिली, बट वीडियोस मैं नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और स्टोरेज प्रॉब्लम, यू नो। सो बस आज के लिए इतना ही जंगल का सफ़र, हम आगे बताते हैं। तो वेल गाइस, इस समय मैं और मेरा भांजा अपने रास्ता पर निकला था कि वो अभी उधर जा रहे हैं कुछ काम से, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा देर में। और आप देख सकते हैं मेरा गांव का, यहाँ एक बस्ती है, यहाँ एक बस्ती, मैं आया हूँ आगे अंदर से, और उधर कुछ बस्ती। तो ऐसे मेरा गांव अलग अलग बस्तियों में बस बटा हुआ है, और अभी मिलने जा रहे हैं मेरे भाई से। भाई पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब आप जानते हैं मानसून में मजे ये है, इसे बोलते हैं स्लेकेरा ओलियोसा, यानी कि कुसुम का पेड़। और आपको दिखाते हैं, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। ये है मेरा भतीजा। ये रहा मेरा कैच। तो गाइस ये है कुसुम, जिसका बॉटनिकल नाम है स्लेकेरा ओलियोसा। मैं स्क्रीन पर इसका नाम लिख दूंगा। सैपिंडेसी फैमिली से आता है ये, और खाने में बहुत मजेदार आएगा, रसीली पूरा। अब बस बहुत हुआ भाई
इतना सारा मैंने कुसुम खा गया कि दांत गड़ रहा है, दांत कट रहा है। रास्ता में आते आते 1 किलोमीटर पूरा रास्ता मैंने खाया, घर में आने के बाद इतना खाया। अब पारी है खाना खाने का। दीदी चलिए खाना खा ले। ओए बाबू लोग, बच्चा लोग, चलो आ जाओ इधर, सेल्फी लेंगे, जल्दी आओ, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ, चलो जाओ। तो अब पारी है ब्रेकफास्ट का, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, यहाँ टुकड़ी मूली के साथ। So, well guys, इस समय मैं रेडी हो चुका हूँ नाश्ता करने के बाद, और इस समय मेरे पास है ये है कुसुम का तेल। कुसुम खाने के बाद ये है इसके बीजों से, ये बीज जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, ऐसे दीदी नहीं लग रहा है। ये अब इसका तेल का हम लोग मखाते हैं, यह कुसुम का तेल। हाँ ठीक है। वेल गाइस, मैं इस समय गांव को अलविदा कह चुका हूँ, और अब जा रहा हूँ अपने रांची की ओर सफर में। और आज मैंने बहुत एंजॉय किया, मॉर्निंग में सुबह उठ के जंगल घूमा, खुकड़ी चुना, मशरूम चुनने गया, फिर उसके बाद रेडी होने के बाद में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, इसमें वापस फिर से रांची की ओर। तो ये है जेसन भाई, और साइकिल से मुझे पहुंचा है। ओ भाई 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 भाई, अरे तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड, इस तरह से देखिए साइकिलिंग कर करके जैसन के साथ। अरे यार इतना ज़्यादा, 1 मिनट 1 मिनट। मैं पहुंच चुका हूं अपना आनंदपुर, जहां से हम बस लेते हैं, यही वो जगह है। और आप चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं, फ्रूट्स लगे हैं, और इधर है कुछ कुछ स्टॉल्स, और ये है इधर से गाड़ी आने वाली। वेट करते हैं, 3 बज चुका है, और 3 बजे आपको रांची जाने के लिए लास्ट बस मिलती है यहीं। तो 3 बजे यहाँ लास्ट बस है, और या लास्ट बस है, फिर जाएंगे यहाँ से, और कुछ नहीं। फाइनली मेरे बस आ चुकी है 3:07 पर, और मैं चला रांची। मगर बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।